प्रभु हमारी बहुत हंसी ठिठोली कर रहे हैं, इस बार तो हम इन्हें पकड़ के ही रहेंगे। ओहो, तो चक्रव्यूह रचा गया है। अरे देव हमें छुपकर क्यों देख रहे हैं? पकड़ लिया! मूषक पकड़ो! मैं फिर बच गया। मूषक, तुम्हारी वजह से हम हमेशा हारते हैं। क्षमा करो नंदी, परंतु मेरा ध्यान भटकने के पीछे एक कारण है। क्या कारण? वो मैंने उस तरफ पेड़ के पीछे कार्तिकेय देव को देखा, वो हमें छुपकर देख रहे थे, है ना जी बात? तुम्हारे ये बहाने काम नहीं आएंगे मूषक राज। जब तक तुम सब मुझे पकड़ नहीं लेते, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो पकड़ो, पकड़ो मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अगर तुमने प्रभु को नहीं पकड़ा तो तुम्हें पेड़ पर उल्टा लटका कर नीचे आग लगा दूंगा। पेड़ पर उल्टा नीचे आग? नहीं नहीं, मैं पकड़ूंगा उन्हें। पकड़ो। पकड़ लिया, मैंने प्रभु को पकड़ लिया। अब मैं पेड़ पर उल्टा नहीं लटकूंगा। खेलकूद बहुत हुआ, अब जल्दी से नहा लो, माँ ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। गणेश, ये सब क्या है? हम खेल रहे थे माँ, अभी नहा लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। क्या हुआ माँ, आप उदास हैं? अब तुमसे मैं क्या छुपाऊँ गणेश, युद्ध से वापस आने पर कार्तिकेय हमेशा सबसे पहले मेरे गले लगता था, मेरे हाथ के बनाए मोदक खाता था, किंतु इस बार हंसासुर को मारकर वापस आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कार्तिकेय देव को देखा है। वो आपसे नहीं मिले, मुझसे नहीं मिले, इसका क्या कारण हो सकता है माँ? कदाचित वो थका हुआ होगा। वंशज दुनिया जीतने के बाद भी शिव और उनके परिवार से हार जाते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है हंसासुर, जो सर्वशक्तिशाली है। जब तक वो हमारे पास है, कोई हमसे नहीं जीत सकता। भैया, देखा तुम सबने, मैंने कहा था ना, कार्तिकेय आ गया है। अब और कितनी बार ये बात दोहराओगे मूषक? एक बार और। अपनी खिकी बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं थक गया हूँ, विश्राम चाहता हूँ। ठीक है भैया, आप विश्राम कीजिए, हम जाते हैं। इससे पहले कि किसी को कुछ भी पता चले, मुझे वो सर्वशक्तिशाली चीज हासिल करना ही होगा। तुम सबको वही लगा जो मुझे लगा? हाँ, देव कार्तिकेय बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। इसकी क्या वजह होगी प्रभु? अरे प्रभु कहाँ रह गए? आप रुक क्यों गए प्रभु? नंदी महाराज, ये माँ के सोने का समय है, हमारे खेल के शोर से माँ की नींद में बाधा होगी, इसलिए आज हम भी सोएंगे। सब सोने जा रहे हैं, यही मौका है। सब अपने अपने कान इधर लाओ। जैसे आप कहें प्रभु, चलो चलो छुपते हैं।
true. एक बार सर्वशक्तिशाली चीज मेरा हाथ लग जाए, बस सबको मसल के रख दूंगा। लेकिन उसे ढूंढ कहाँ? भाई हाँ? आप इसे ढूंढ रहे हैं ना? तुम यहाँ? तुम तो सो रहे थे ना? आपको कैसे पता चला भैया? मैंने तुम्हें इन सबको कहते हुए सुन लिया था। चोरी छुपे किसी की बातें सुनना पाप होता है भैया। वैसे आप इसे ढूंढ रहे थे ना? ये वही मोदक है भैया, जिसमें माँ ने वो सर्वशक्तिशाली चीज डाली है, जिसे खाने के बाद हमें युद्ध का अभ्यास करना है। सर्वशक्तिशाली चीज? अरे हाँ, यही तो मैं ढूंढ रहा था। मैं युद्ध अभ्यास के लिए तैयार हूँ गणेश। कहने को तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ गणेश, किंतु तुम मुझे हराओ तो जानू। आपकी यही इच्छा है भैया तो ये अवश्य पूरी होगी। तथास्तु। छोटे दो देव कार्तिके। छोटे भैया आप इधर हैं? तो ये कौन है? ये कैसा सवाल है छोटे? वो नकली है। नहीं मैं असली हूँ। नहीं मैं असली हूँ, तू मायावी है। मैं असली हूँ, तू मायावी है। हंसासुर को कौन मारने गया था? मैं गया था और उसे मार भी दिया। बग्गम तनिक अनुवाद करके बताइए तो ये क्या कह रहा है? प्रभु ये कह रहा है, ऐसे तो असली नकली का अंतर करना असंभव है। असंभव शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं है अग्गम, इसका हल है मेरे पास। आप दोनों भाइयों को आपस में लड़ना होगा, जो जीतेगा वही असली कार्तिकीय भाई होगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। आरंभ कीजिए। गणेश ये क्या देख रही हूँ मैं? दो दो कार्तिकेय? मेरे असली कार्तिकेय को चोट लग गई तो? रोको इन्हें। अपनी ममता को विचलित ना होने दे माँ, आप जानती है भैया को कुछ नहीं होगा। शंकासुर बता तुमने मेरा रूप क्यों धरा? जब तुम सर्वशक्तिशाली चीज के बारे में पिताजी को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। मैं उसे ही चुराने आया था। तुम्हें मल्लयुद्ध करते हुए देखा तो तुम्हारा रूप धरकर यहाँ आ गया, किंतु मैं सर्वशक्तिशाली चीज ग्रहण कर चुका हूँ, फिर तुम मुझसे कैसे जीत गए? सर्वशक्तिशाली चीज? मैं तो लोगों के विश्वास, उनके तप और मानवता की बात कर रहा था शंकासुर। जब तक ये सब मेरे परिवार के साथ है हमें कोई बुराई हरा नहीं सकती। किंतु तुमने क्या खाया? इसने झूठ खाया है भैया। हाँ? मुझे इसके छल का पता पहले ही लग गया था भैया, इसलिए मैंने सर्वशक्तिशाली चीज मोदक में है ये कहकर खिला दी। छल? शंकासुर से छल? आप रुक जाइए भैया, अब मेरी बारी है। अब असली तारे भी देख ले। माँ तुम जैसे पुत्र पाकर तो मैं धन्य हो गई। माँ आपके मोदक तो शंकासुर खा गया ना, अब क्या हमें भूखे रहना पड़ेगा? गणेश माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती, अभी मोदक बना के खिला दूंगी। Thank you.
प्रभु ऊपर देखिए वो रहे लड्डू। ये तो बहुत ऊपर है। अब क्या? मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर कोशिश करता हूँ। आइए। मैंने कुछ नहीं किया माँ। ये मोदक उस मूषक राज ने गिराए हैं, वही ऊपर चढ़ा था। नहीं, मेरा तो देखिए हाथ भी नहीं पहुँचता वहाँ तक। कितना परेशान कर देते हो तुम लोग। दो तो मिल ही गए। शैतान, ये क्या है? क्या करूं माँ, आप तो जानती हैं मुझे लड्डू कितने पसंद हैं। अच्छा नटखट। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मन भावन नटकट, मूषक गण सब भागे सरपट।
मोहक मन भावन नटकट मूषक गण सब भागे सरपट विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड कजरारे लोचन झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश इतना ज्यादा शोर पार्वती आई उस ओर डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तनमन गणेश ये क्या हो रहा है शोर मत मचाओ तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा जो आज्ञा माँ और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं अलख निरंजन अलख निरंजन प्रणाम आचार्य चिरंजीवी भव मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ क्षमा करे ऋषिवर वो योग साधना में लीन है आप उनके दर्शन नहीं कर सकते मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ उनके दर्शन करना अति आवश्यक है उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं आप फिर कभी पधारिए तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूँगा यह असंभव है मुनिवर अरे नादान बालक तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें घोर अपमान आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में आगे मत बढ़िए बहुत साहसी है ना तू बालक अब मेरा प्रहार सहन कर प्रभु ये तो शिवजी का परशु है Oh!
क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें। क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं, क्या इसलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करें? माता पार्वती, क्षमा दान दे, अवश्य नीतिवश मुझसे ये अपराध हुआ है। क्षमा माते, क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। बाल गणेश इस टूटे हुए दांत से कई महान कार्य करेंगे माते, जिसकी प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और वे एक दंत के नाम से भी जाने जाएंगे माते। इस एक दंत बाल गणेश को कोटि कोटि प्रणाम माते, कोटि कोटि प्रणाम। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। असुर राज, वही रुक जाओ कटकासुर। जिस विघ्नासुर से तीनों लोग डरते हैं, उस विघ्नासुर का सिपाही किसके भय से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है? असुर राज, ये भय नहीं है, ये क्रोध है। महर्षि अर्जुन ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, वो पूरा हवन कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करे? गानासुर, सिंहासुर, क्या है? तुम दोनों भाई इसी समय महर्षि अर्जुन के आश्रम में जाओ और उन्हें ऐसे मृत्यु दो जिसके उपरांत तीनों लोकों में हमारी आज्ञा का उल्लंघन कोई न कर सके। जो आज्ञा सुराज। जो मेरे असुरों की ऐसी हालत करे। असुरराज, आप आज्ञा दे तो इसी समय महर्षि अर्जुन का सर काट के आपके पैरों में चढ़ावा चढ़ा देता हूँ। नहीं टनकासुर, मेरे सेनापतियों को मारकर उस महर्षि ने मुझे चुनौती दी है, जिसे मुझे ही स्वीकार करना होगा। जैसी असुरराज की इच्छा, किंतु इन दोनों की दशा देखकर मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। असुरराज, हो सकता है कि क्षमा। असुरराज, क्षमा की आवश्यकता नहीं है टनकासुर, हमारे अस्त्र शास्त्र तैयार करवाइए। पता नहीं कौन सा बवंडर है ये जिसने ये लीजिए। अरे बस 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 कीजिए पार्वती, और कितना खिलाएंगे आप? क्या आपको मेरे हाथ की रसोई अच्छी नहीं लगती? आप जैसी रसोई तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता पार्वती। पता नहीं ये बाल गणेश अब तक क्यों नहीं आया, आज तो ढेर सारे मोदक बनाए हैं मैंने उसके लिए। उन्हें आने में अभी समय है पार्वती। अर्थात? अर्थात आपके पुत्र को हमने मानवता की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। महादेव, हमारा पुत्र अभी बालक है, उसे कहीं कुछ हो गया तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। पार्वती, आपके पुत्र बाल गणेश सृष्टि का आरंभ है, उन्हें कुछ होने का अर्थ यानी सृष्टि का अंत
अर्थात? आप अर्थात बहुत पूछती हैं पार्वती। वो ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम गम गणपतेय नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवाय। धूर्त महर्षि, यदि जीवन प्रिय है तो रोक दे इस हवन को, अन्यथा इस आश्रम के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी धूल में मिला दूंगा। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। बग्गम? प्रभु, अग्गम बोल रहा है कि समस्या गंभीर होती जा रही है, आपको महर्षि की रक्षा हेतु जाना चाहिए। तुम निश्चिंत होकर फल खाओ बग्गम, इतनी स्वादिष्ट फल छोड़कर कोई मूर्ख ही जाएगा यहाँ से। ओम भूर्भुव स्वाहा। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा रोक दो यह हवन। शिवाय स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। आदरणीय ऋषिजन और शिष्यों, आप इस हवन को बंद ना होने देना। जो आज्ञा महर्षि। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम महर्षि, हवन को बंद किए बिना मेरे पास आने का अर्थ समझते हो? मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है असुरराज, किंतु यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ और भविष्य में यहाँ मुड़कर भी मत देखना। ऐसा कहकर तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है महर्षि, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ असुरराज। हाँ, तुम कौन हो बालक और यह सब कौन है? तुम कैसे असुरराज हो विघ्नासुर, जो बाल गणेश के बारे में नहीं जानते? ये महापराक्रमी बाल गणेश हैं और हम इनके सखा। ये अगम, ये बग्गम, ये नंदी और मैं, प्रभु के प्रिय वाहन मूषक राज। मूषक हो या विदूषक, जीवित रहना चाहते हो तो जाओ अपनी माँ की गोद में छुप जाओ। असुरराज, इस प्रकार की अभद्र भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती, अपनी शक्तियों को समाज कल्याण में लगाइए। क्यों व्यर्थ हत्याएं करते रहते हो? मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगा बालक। कौन है यहाँ जो मुझे रोकेगा? मैं तुम्हें रोकूंगा विघ्नासुर, मैं तुम्हारी बुराई का विनाश करूंगा। धरती से अभी छटाक भर बाहर नहीं निकले हो बाल गणेश, और असुर राज को मारने की बात करते हो? यदि है बल तुम्हारी बाजुओं में तो आओ, मारो मुझे, मारो। अब इसका क्या होगा? क्यों क्यों क्या हुआ? होना क्या है असुर राज, तुम गए काम से। असुर राज, जब कभी मेरे भक्त सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगा तो मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, तथास्तु। Ah!
अभी भी समय है विघ्नासुर। यदि तुम अपनी शक्तियों को सही कार्य में लगाने का वचन दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मायावी बालक, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो तुझे तेरे परिवार सहित इसी स्थान पर जीवित काट दूंगा। बड़े तो हो गए हो तुम वसुर राज, पर बुद्धि नहीं आई। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। समझाने की सीमा समाप्त हो चुकी है विघ्नासुर। नहीं, नहीं। विघ्नासुर के अत्याचारों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बाल गणेश। आज से आप विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाएंगे। विघ्नहर्ता बाल गणेश की जय। महर्षि, ये जय तो ठीक है, किंतु यदि आपके आश्रम में खाने को मोदक है तो कृपया जल्दी से ले आइए, बहुत भूख लगी है। कौन हो तुम लोग और इस प्रकार मेरी नींद भंग करने का मतलब? मेरा नाम मधु और इसका नाम कैताब है जगन्नाथ, और हम दोनों आपके शरीर की मैल से उत्पन्न हुए हैं। तो क्या चाहते हो? तुम्हारा राज्य। हम में अब तुम्हारी सारी शक्तियां हैं विष्णु, अब ये राज्य हमारा हुआ। मूर्ख, तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से लिखी है। विष्णु, मृत्यु हमारी नहीं, तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से होगी। दुष्ट पापियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत! रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। बस बहुत हुआ दुष्टों। असंभव, इन्होंने सुदर्शन चक्र को हरा दिया। मुझे तुरंत बाल गणेश के पास सहायता के लिए जाना होगा, सिर्फ वही हैं जो मुझे इनसे बचा सकते हैं। अरे ये तो भाग गए, चलो इनके पीछे। बताता हूँ प्रभु, बताता हूँ। ये कह रहा है प्रभु कई दिनों से कुछ मजेदार, खास और मस्ती भरा काम नहीं किया है, इसलिए कुछ मजा नहीं आ रहा है। अगम, तुम इतने कम शब्दों में इतना कैसे बोल लेते हो? ये मेरे लिए आज भी आश्चर्य की बात है। नहीं आया। कुछ मत कहो अगम, कुछ मत कहो। तुम्हारी बातों का मतलब समझते समझते मैं थक गया हूँ। बाल गणेश, उनकी इतनी हिम्मत, आने दो उन्हें, उन्हें भी परेशान करके ही मारेंगे। अगम, लगता है तुम्हें मजे करने का कारण मिल गया। सब लोग यहाँ आओ। ठीक है। चलो। आ, 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 आ,
पे बैठे हो तुम? अपनी आखिरी सांसें गिन लो विष्णु। अब ये कौन है? ए हड्डी के ढेर, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? क्या अय्या कर रहे हो? साफ साफ बोलो। जो भी हो तुम साफ साफ बोलो, अय्या क्या कर रहे हो? ए, इसे बोलो यहाँ से चला जाए, मुझे 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 गुस्सा आ रहा है। ए, 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 आ, 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 मेरा मतलब है, मैं क्या बोलूँ इसे? अरे अगम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम लोग कौन हो? हम लोग जो भी हैं, क्या तुम ये को जानते हो? हाँ, ये अगम है मेरा मित्र। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? इस यायायो ने हमारा सर खा लिया है। तो फिर बोला, चुप रहे तू। अरे बग्गम भी नहीं है, अब कैसे पता चलेगा इसने क्या बोला? कौन बग्गम? बग्गम जो इसकी भाषा समझता है। अरे अरे रुको अगम, बग्गम को आने दो फिर बोलो। तो चुप। अरे क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम? अब तुम कौन हो? मैं बग्गम हूँ और मैं वो खाना लेने गया था, बहुत भूख लगी थी हमें। चलो अगम ब्रिंगी, खाना खाते हैं। अरे तुम लोग भी आ जाओ और खाना खा लो, भूखे पेट मरना अच्छी बात नहीं है ना? आ चलो खाना खाते हैं। क्या चलो, चुपचाप यहीं खड़े रहो। हमें विष्णु को मारना है और तुम लोग हमें परेशान करना छोड़ दो। हमें परेशान मत करो, हमें नहीं खाना कुछ भी, हमें विष्णु को मारना है और फिर हमें मरना है। रुको रुको रुको, क्या कहा तुमने? हमें मरना है, मरना है हमें। कौन मारेगा हमें? तुम कुछ नहीं बोलोगे। अरे ये तो कब से कह रहा है तुम्हें मरना है? बाल गणेश तुम्हें मारेंगे और तुम हो के इतनी सी बात समझते ही नहीं? बेचारा कब से गला फाड़ फाड़ के कह रहा है। क्या कह रहे हो? कौन मारेगा मुझे? कौन? हमें कोई नहीं मारेगा। ये अगर और बोलेगा ना तो हम जरूर मर जाएंगे। चुप! कोई नहीं मार सकता हमें। देखो बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब कोई भी एक और शब्द बोलेगा तो विष्णु से पहले मैं उसे मारूंगा। तुझे बोलना जरूरी था। ए बग्गम, क्या बोला ये? ये बोला, वो देखो नंदी और मूषक आ रहे हैं। आओ नंदी, आओ मूषक, खाना खाओ, फिर बाल गणेश को इन्हें मारना भी है। उसके बाद बहुत काम करना है। कौन है ये लोग? अरे हाँ, वो तो मैं पूछना भूल ही गया, कौन हो तुम बता दो? हम विष्णु की मेल से उत्पन्न लोग। बताता हूँ, रो मत। ये बोला, मैल से उत्पन्न हुए हो तुम? छी, कितने मैले हो। मतलब तुम लोग हमें परेशान करके ही छोड़ोगे? देखो, हमें विष्णु को मारने दो, हम उसके बाद चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। विष्णु जी को तुम मार नहीं सकते, इसने कहा ना, भूल गए? बाल गणेश उसके पहले ही तुम्हें मार देंगे। और बोला, रुक क्यों गया, बोलना। अरे अब तो हमारी भी इच्छा है कि सच में हमें बाल गणेश मार ही दे, कम से कम इसकी तो नहीं सुननी पड़ेगी। क्या क्या हुआ? ये बोला, ऊपर देखो। हाँ?
भक्त जब भी मुझसे दिल से कुछ मांगते हैं, तो मैं उन्हें दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुम दोनों ने सच्ची श्रद्धा से मांगा है, तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। हमें कोई नहीं मार सकता। शिव ने बाल गणेश को प्राण मंत्र से पुनर्जीवन दिया था, तब उन्होंने ये घोषित किया कि कोई भी काम करने से पहले बाल गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होगी, तब तक कोई भी काम सफल नहीं होगा, फिर वो किसी भी भगवान की क्यों ना हो। फिर एक दिन क्या प्रभु, आप भी मुझे सता रहे हो इन लोगों की तरह? अच्छा, तो अगम बगम और ब्रिंगी तुम्हें सताते हैं, वो कैसे? हर रोज ये बड़े बड़े ग्रंथ लेके आते हैं और मुझे कहते हैं पढ़ के सुनाओ। आपको तो पता ही है, मैं तो अभी पढ़ना सीख रहा हूँ, और जब मैं ठीक से नहीं पढ़ पाता तो ये सब मुझ पे हंसते हैं। हाँ ठीक बोला गम, पढ़ेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? इसीलिए तो मूषक महाराज के लिए हम ग्रंथ लेके आते हैं। हाँ, और मूषक महाराज ग्रंथ के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये नंदी क्यों भागा चला आ रहा है? प्रभु, प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्या त्रिपुरा नगरी पर आक्रमण? इतनी पवित्र धरती पर राक्षसों का आक्रमण? नंदी, सभी गणों को युद्ध के लिए इकट्ठा करो, हम स्वयं त्रिपुरा नगरी को बचाने जाएंगे। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।
क्या हुआ भगवान? भगवान? नंदी, मैंने एक भूल की है। भूल? आपसे? हाँ नंदी, मैं गणेश का नाम स्मरण करना भूल गया। मैंने ही कहा था कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले गणेश की पूजा करना आवश्यक है, और मैं स्वयं ही भूल गया। तो हमें अपनी भूल सुधारनी होगी प्रभु। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिये, वो तो मेरा दास है, उसकी क्या मजाल कि वो मुझे रोक सके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या कारण? नंदी ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छुट गई जतन में। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छुट गई जतन में। पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। रुकिए, क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। हट मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ।
यह असंभव है। देखो तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु। अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान शंकर गुस्से में आकर अनर्थ कर रहे हैं। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको। पुत्र गणेश, आपको इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा, और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात हमेशा मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। पुत्र का वध कर दिया? नहीं, पुत्र गणेश, ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया, और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे? किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राणदान देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। ये संभव नहीं है, मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, यदि समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। अरे मूर्खों, ये क्या लिया है? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। उसका मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। Thank you.
मैं इसे वरदान देता हूँ कि लोग युगों युगों तक इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वी वासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। Thank you.